So now let us continue with some more practicals of social cost benefit analysis. Remember, we started this chapter, and in social cost benefit analysis, you have to analyze the project from the point of view of society as a whole. आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को किस बेसिस पे एग्जामिन किया जा रहा है? प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया जा रहा है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स व्हाई दिस सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सो इंपॉर्टेंट. सो वी टेक अप वन मोर क्वेश्चन. ओपन अप योर हैंडआउट्स एंड टेक आउट क्वेश्चन नंबर 4. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन. पहले एक बार पढ़िएगा ध्यान से. इन दिस क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लोज डाउन द पैसेंजर लाइन सर्विस एंड इंस्टेड ऑफ दैट ट्रेन सर्विस दे आर गोइंग टू स्टार्ट बस सर्विस. व्हाट डिड आई से? गवर्नमेंट एक जो ट्रेन सर्विस है स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक ऑपरेट किया करती थी, उसको क्लोज करके उसी रूट पर स्टेशन ए से स्टेशन बी तक बसेस को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है. और इस बसेस के प्रोजेक्ट के कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स बताने आपको सोशल एंगल से. रिमेंबर यहाँ पे काम किसके ऊपर होगा? केवल सोशल एंगल से. और ये लिखा है लास्ट लाइन में, जस्ट गो थ्रू द लास्ट लाइन. एन्यूमरेट द सोशल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रपोजल. कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना, केवल आपको कॉस्ट और बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करके बताना है सोशल एंगल से. अब जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करें आप, तो एक नोट बना के लिख दीजिएगा जो इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का भी एक इंपॉर्टेंट रूल है. टेक डाउन दिस रूल, नोट बना के लिखिएगा. डेप्रिसिएशन चार्जेस, डेप्रिसिएशन charges are never considered in SCBA. Depreciation charges are never considered in social cost benefit analysis. Short में SCBA लिख सकते हैं आप. तो depreciation charges अगर कभी भी आपको project में दिए हुए होंगे और आप उस प्रोजेक्ट को सोशली एग्जामिन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्जेस को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. राइट? प्राइवेटली तो आप करते हैं डेप्रिसिएशन को कंसिडर टू गेट द बेनिफिट ऑन टैक्स. टैक्स बेनिफिट के लिए डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट को सोशली एग्जामिन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर डेप्रिसिएशन चार्जेस को आपको कंसिडर नहीं करना है. तो नोट ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन चार्जेस आर नेवर कंसिडर्ड इन एससीबीए. राइट? नाउ वी स्टार्ट. तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लीजिएगा. वो फॉर्मेट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का. रिमेंबर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए वर्कशीट. आपको वर्कशीट बनानी पड़ेगी पूरी. इस वर्कशीट में सबसे पहले तो आ जाते हैं पर्टिकुलर्स. राइट? और उसके अंदर कॉस्ट्स और फिर ले लेंगे बेनिफिट्स. कॉस्ट्स के बाद उनका नेचर, कि वो नेचर वन टाइम है या एनुअल है, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको. और उसके बाद अमाउंट इन रुपीज. सोशल एंगल कर दीजिएगा केवल. सोशल अमाउंट इन रुपीज. सोशल अमाउंट इन रुपीज और प्रोजेक्ट करना ही आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर है. तो सिंपली आप अमाउंट इन रुपीज के लिख सकते हैं. राइट? प्राइवेट एंगल को बनाने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि प्राइवेटली भी आप एनालाइज करिए. केवल आपको सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करके इस क्वेश्चन में बताना है. अब आइडेंटिफाई करने हैं आपको सारे के सारे कॉस्ट एंड बेनिफिट. तो पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा. द फॉर्मेट वेयर बाय वी विल बी
taking all the social costs and benefit analysis. राइट बना लिया है. अब एक एक करके इस क्वेश्चन में जो जो कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपके पास सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है इफ द लाइन इज क्लोज्ड एट एनी टाइम द डीजल ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन इट कुड बी सोल्ड टू अनदर कंट्री फॉर ₹2,40,000. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा. सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन है कि इफ द लाइन इज क्लोज्ड यानी कि अगर वो ट्रेन सर्विस हम बंद कर दें द डीजल ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन इट कुड बी सोल्ड टू अनदर कंट्री फॉर ₹2,40,000. अब हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास कहीं से कोई भी कैश आ रहा है तो उसको इनफ्लो माना जाता है, उसको कैपिटल माना जाता है, उसको कैश इनफ्लो माना जाता है और उसकी एंट्री होती है बेनिफिट में. तो यहाँ पर पहला बेनिफिट जो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है वो है अमाउंट रिलीज्ड ऑन सेल ऑफ डीजल ट्रेन. ये डीजल ट्रेन को सेल किया जा रहा है और कितने अमाउंट में सेल किया जा रहा है ₹2,40,000. नेचर केवल दो तरह के होते हैं, या तो वो नेचर वन टाइम होगा या फिर वो नेचर एनुअल होगा. यहां पर नेचर इट वुड बी वन टाइम क्योंकि ट्रेन वंस सोल्ड इट कैन नॉट बी सोल्ड अगेन एंड अगेन. एक बार आपने ट्रेन को बेच दिया तो बार बार हर साल भी बेच सकते हैं. वंस इट इज सोल्ड इट इज गॉन फॉर एवर. तो इसीलिए नेचर होगा इसका वन टाइम. वैसे भी वो नेचर जिनके आगे पर ईयर या पर एनम होगा उनको लेंगे आप एनुअल, नहीं तो सारे के सारे नेचर क्या रहेंगे वन टाइम. राइट नेक्स्ट ये तो था पहला बेनिफिट अमाउंट रिलीज्ड ऑन सेल ऑफ डीजल ट्रेन. अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट नजर आ रही है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले छोटा सा हिंट याद दिलाते हैं आपको. लास्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा था कि जब भी आपके प्रोजेक्ट से जर्नी टाइम कम होता है तब तो वो बेनिफिट माना जाता है और अगर जर्नी टाइम बढ़ जाता है तब उसको कॉस्ट माना जाता है. अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम कम हो गया, 2 घंटे की जगह 1 घंटा रह गया, सो यू हैव प्रोवाइडेड इमेंस सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स कि 2 घंटे का उनका जर्नी का टाइम 1 घंटे का रह गया, तो टाइम कम हो गया. लेकिन अगर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बने जिसकी वजह से जो सफर 2 घंटे का था वो 4 घंटे का हो जाए, सो इट गिव्स अ ह्यूज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द कस्टमर्स ये कौन सा प्रोजेक्ट बना दिया जिससे 2 घंटे की जर्नी हमारी 4 घंटे की हो गई. तो ये याद रखिएगा जब भी प्रोजेक्ट का जर्नी का टाइम कम होगा, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम कम होगा उसको तो बेनिफिट मानना है, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का टाइम बढ़ जाता है तब वो कॉस्ट होगा. और इसका कैसे पता लग रहा है अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को. बस जर्नी ये थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन है. बस जर्नी टेक्स एन एवरेज ऑफ 40 मिनट्स लॉन्गर देन द ट्रेन जर्नी. द एवरेज वैल्यू ऑफ पैसेंजर्स टाइम इज ₹2 per hour. आपके इस प्रोजेक्ट से ट्रेन्स को बंद करने के बाद जब बसें स्टार्ट करेंगे तो उससे जर्नी का टाइम 40 मिनट से बढ़ जाएगा. राइट तो ये कॉस्ट हो जाएगी. क्या नाम होगा इसका? वैल्यू ऑफ पैसेंजर्स टाइम कितने से बढ़ गया, हर एक पैसेंजर का टाइम 40 मिनट से. तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 से डिवाइड करके. और आवर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि जो इसके आगे कॉस्ट लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ पैसेंजर टाइम इज ₹2 per hour. 1 घंटे की वैल्यू है ₹2. राइट तो 40 मिनट की क्या होगी? 40/60 आवर किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. अब हमारा टारगेट है किसी भी तरह से
टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैसे आएंगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, देयर आर 250 डेज पर ईयर। वो जो जर्नीज होंगी वो होंगी 250 डेज पर ईयर, 365 दिन तक नहीं होंगी, पूरे साल भर में बसेस तो चलेंगी लेकिन जितना पहले ट्रेन चलती थी 250 डेज वो भी उतना ही चलेंगी 250 डेज। लेकिन आगे लिखा है थर्ड पैराग्राफ में, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑफ द फॉर्मर जर्नीज 800 विल बी मेड बाय बस। टोटल रोज कितने लोग जाया करेंगे, 800 लोग रोज जाएंगे, लेकिन पूरे 365 दिन नहीं जाएंगे, कितने दिनों तक जाएंगे वो टोटल 240 डेज तक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, सॉरी इट इज नॉट 240, इट इज 250 डेज, 250 डेज तक लोग रोज जाया करेंगे। अब 250 डेज तक तो पूरी बसेस चलेंगी, हर रोज 800 लोग जाएंगे, मल्टीप्लाई करिएगा उस पूरी इक्वेशन को, इसका नेचर होगा एनुअल। एनुअल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 250 डेज पर ईयर। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ रहा है आप लोगों का 266,667। सबके सब अपने कैलकुलेटर से एक बार इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि आंसर 266,667 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। काइंडली चेक इट डाउन टू सी इफ द आंसर इज 266,667। वो 666.66 आ रहा होगा लेकिन आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे सो इट विल बिकम 266,667। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी जर्नी से टाइम बढ़ जाएगा उसको कॉस्ट माना जाता है। इसको एक और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं आप, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज कॉस्ट ऑफ पैसेंजर्स टाइम। कॉस्ट ऑफ पैसेंजर्स टाइम, हर पैसेंजर का टाइम 40 मिनट से बढ़ गया, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, हर घंटे की वैल्यू थी 2 रुपए। रोज 800 लोग जाएंगे और कब तक जाएंगे, पूरे 250 दिनों तक। पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 266,666.66, उसको राउंड ऑफ किया ये बन गई 266,667। नेक्स्ट एक और बेनिफिट है, नोट कर लीजिएगा उसको, सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और सेविंग्स इन टैक्सेशन। सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये एक और नाम से लिख सकते हैं आप, सेविंग्स इन टैक्सेशन। नेचर है इसका एनुअल और वैल्यू है इसकी रुपीज 4 लाख। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग ये कहां से आया। अब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री और इसका एडजस्टमेंट वो इन वर्किंग नोट्स में देखिएगा। पहले पैराग्राफ को पढ़िए, गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ जहां पे मेंशनड है उसको अंडरलाइन करिएगा। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेन मूवमेंट, ट्रैक्स मेंटेनेंस, सिग्नलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस टू बी रुपीज 15,20,000 इंक्लूडिंग रुपीज 1,20,000 टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज। पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, इस लाइन से क्या पता लग रहा है, जब ट्रेन चलती थी तो पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थी वो थी रुपीज 15,20,000। पहले जब ट्रेन चलती थी तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थी 15,20,000, दिस वाज टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इसके अंदर आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्जेस को कभी भी एससीबीए में कंसिडर
नहीं किया जाता है तो आपको इन डेप्रिसिएशन चार्जेस को हटा देना है. सो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन चार्जेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्जेस प्राइवेट एंगल से तो कंसिडर करते हैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन जब भी आप प्रोजेक्ट को सोशली एग्जामिन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्जेस को फिक्टिशियस चार्जेस माना जाता है और उनको कभी भी SCBA में यानी सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कंसिडर नहीं किया जाता है. तो डेप्रिसिएशन चार्जेस 120,000 को माइनस कर देंगे आप तो हमारे पास नेट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ये आ रही थी ₹14 लाख. पहले कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जब ट्रेन चल रही थी तो थी 15,20,000. उनमें से डेप्रिसिएशन चार्जेस को कभी भी कॉस्ट नहीं मानते सोशल एंगल से, वो हमने हटा दिया. तो नेट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितनी थी पहले 14 लाख और जो रेवेन्यू आ रहा था रेवेन्यू कितना आ रहा था इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, उस पर ध्यान दीजिएगा. द लाइन इज यूज फॉर 1000 सिंगल जर्नीज ईच डे 250 डेज पर ईयर. हर रोज 1000 लोग जा रहे थे कब तक 250 दिनों तक, तो हर रोज 2.5 लाख लोग जा रहे थे. मल्टीप्लाई करिएगा 1000 × 250 और आगे लिखा हुआ है सिंगल फेयर इज ₹4. एक टिकट पर इन्हें ₹4 का रेवेन्यू मिलता था राइट. 1000 लोग रोज जा रहे थे 250 दिनों तक, इसका मतलब 2.5 लाख लोग रोज मतलब पूरे साल भर में जाते थे. 1000 रोज कब तक 250 दिनों तक. एक टिकट पर ₹4 का रेवेन्यू था तो टोटल रेवेन्यू कितना था इनका 10 लाख. ये सोचिएगा कि रेवेन्यू कमाई कैसे हो रही है, ट्रेन चल रही थी हर रोज 1000 लोग जाते थे राइट. कितने दिनों तक 365 दिन तक नहीं केवल 250 डेज तक, क्योंकि ट्रेन ऑपरेट हो रही थी 250 डेज तक ही. 1000 को 250 से मल्टीप्लाई करिएगा टोटल पैसेंजर आ जाएंगे. हर टिकट पर ₹4 का रेवेन्यू मिल रहा था. पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 10 लाख का. अब कमाई तो हो रही थी 10 लाख, खर्चे थे 14 लाख, तो डेफिसिट मतलब लॉस कितने का हो रहा था, लॉस हो रहा था 4 लाख का. ये जो लॉस था दिस वॉज रुपीज 4 लाख. अब आगे लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन. सो द लाइन इज लूजिंग मनी, अ डेफिसिट मेट बाय टैक्सेशन. जो ट्रेन लाइन यहां पर ट्रेन सर्विस के लिए यूज किया जा रहा है, सो द ट्रेन सर्विस वॉज लूजिंग मनी, कितना घाटा खा रही थी हर साल 4 लाख का. इस 4 लाख को पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाकर रिकवर किया जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. अ डेफिसिट विच वॉज मेट बाय टैक्सेशन, तो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाकर इस घाटे की भरपाई कर रहे थे, इस लॉस की रिकवरी की जा रही थी. अब जब ट्रेन बंद कर देंगे और उनकी जगह पर बसें स्टार्ट हो जाएंगी तो ये लॉस होना बंद हो जाएगा. और जब कोई घाटा पहले हो रहा था, खर्चे पहले हो रहे थे, अब नहीं होंगे तो वो क्या बन जाएगा बेनिफिट. और बेनिफिट कितने का होगा 4 लाख का. इसको आप लिख सकते हैं सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या फिर दूसरा नाम सेविंग्स इन टैक्सेशन. नेचर है एनुअल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 250 डेज पर ईयर. पर ईयर का मतलब ये है कि नेचर हो जाएगा हमारा एनुअल. एनुअल वैल्यू कितनी आ रही है 4 लाख रुपीज राइट. क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है. अब अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों से पूछा भी जाए तो भी आप इस क्वेश्चन में ROI कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ROI के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, वन टाइम कॉस्ट. इस क्वेश्चन ने वन टाइम कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दे रखी. अगर होती केवल तभी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होना जरूरी है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अब जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है नोट कर लीजिएगा और
कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो दोबारा पूछ सकते हैं आप।